सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए न्यू सर्वाइवल गेम लेकर आ चुका हूं जो कि आपके 1GB रैम एंड 2GB रैम स्मार्टफोन्स में वर्क करेगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग को ये बता दूं, तो गाइस इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है जंगली रमी एप्लीकेशन ने। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू रोजाना हजारों रुपए कमा सकते हैं एंड बहुत सारे लोग इसके अंदर कार्ड्स वगैरह देखकर ये बोलेंगे कि ये एक सट्टे वाली एप्लीकेशन है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये एक लीगल एप्लीकेशन है जिसे हर कोई खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और इसके अंदर पैसे कमाने के लिए हमारा लक काम नहीं करता, हमारी काम करती है स्किल्स, यानी कि जिसके पास जितनी अच्छी स्किल्स होगी, जो इस गेम को जितना अच्छा खेलेगा वो उतना ज्यादा कमाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, टूर्नामेंट, कैश, प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टूर्नामेंट में क्या क्या होता है। तो गाइस यहां पर आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि 5000 का, 15000 का, 3000 का, 50000 का और 1,00,000, 2,00,000, ऐसे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहां पर चलते रहते हैं जिनके अंदर पार्टिसिपेट कर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बट उसके लिए पहले आपको गेम अच्छे से खेलना आना चाहिए, तो उसी के लिए इन्होंने दे रखा है प्रैक्टिस मोड जिसके अंदर आप 2 प्लेयर या फिर 6 प्लेयर वाला मोड खेल सकते हैं। टूर्नामेंट खेलने के लिए हमें यहां पर कुछ कैश ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं पहले 50 रुपए ऐड कर लेता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऐड कर लिए 50 रुपीज। तो यहां पर आपको खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड पेटीएम। तो यहां पर हम पेटीएम से ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पे नाउ का बटन दबा दिया है एंड मैंने अपने पेटीएम वॉलेट से यहां पर पैसे भी पे कर दिए हैं। तो यानी कि मेरे 50 रुपए ऐड हो चुके हैं। एंड ऐड करने के लिए यहां पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी है एंड उसके बाद आपके जो 50 रुपए आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और इस गेम को कुछ इस तरीके से खेलना होता है, तो आप प्रैक्टिस मोड खेलोगे तो आप इस गेम के एकदम चैंपियन बन जाओगे एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू भाई डेली बहुत सारा पैसा कमा लोगे। एंड यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर है भाई प्रमोशंस का। तो यहाँ पर अगर आप प्रमोशंस में जाओगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे भाई टूर्नामेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं भाई करंट प्रमोशन में, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन करंट प्रमोशन में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिल रहे होंगे जिसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा प्राइस पूल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2,00,000 का भी है, छोटा प्राइस पूल भी है। तो गाइस जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस जब हम बात कर लेते हैं अपनी गेम के बारे में, तो गाइस ये जो गेम है काफी पुराना गेम था जो कि पहले बहुत लोग खेला करते थे, बट कंपनी ने अचानक से इस गेम के सर्वर बंद कर दिया एंड ये जो गेम था किसी के मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा था। बट कंपनी का ये कहना है कि वो लोग इस गेम को दोबारा से रिलीज करने वाले हैं, वो भी काफी ज्यादा तगड़े तरीके से, मतलब इस गेम को और ज्यादा इसे रीमेक करेंगे, डेवलप करेंगे, बहुत कुछ करने वाले इस गेम में एंड ये जो गेम है भाई दोबारा आने वाला है। तो गाइस मैं इसका आपको एक गेम प्ले दिखा देता हूं एंड मेरे को वीडियो देखकर ये जरूर बताना कि आपको ये जो गेम है कैसा लगा। एंड पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये वाला जो गेम है कैसा लगा। तो गाइस बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सोलो और स्क्वाड का मोड यहाँ पर देखने को मिलने वाला है एंड यहाँ पर आपकी जो गेम की लोडिंग है वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर होगी। तो मेरे को तो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड जो वेटिंग लो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो एकदम डिफरेंस ही है, मतलब कि आपको एक थोड़ा सा एरिया मिलने वाला है जो कि एक लॉक्ड एरिया है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। एंड उसके बाद आपका जो गेम है काफ़ी जल्दी मैच मेकिंग होकर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अलग सा इसमें सिस्टम है, हमें कुछ एग्जिट का बटन दबाना है, यहाँ पर लीव का एक बटन दबाने को आ रहा है। तो हम यहाँ पर भाई लीव की तरफ में स्वाइप कर देते हैं, तो देखते हैं भाई हमारा गेट ओपन होता है या फिर क्या होता है। मतलब कि ये जो गेम है इसमें बिल्कुल भी कॉपी कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा बाकी जो गेम्स आती है ज़्यादातर एकदम सेम पबजी का कॉपी कर लेते हैं एकदम, मतलब इस गेम का जो है बिल्कुल अलग ही है। बाकी तो सब कुछ इसका सेम है कि जोन वोन ऐसा कुछ पंगा नहीं है उसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ये भी उसी टाइप का गेम है कि जो बंदा लास्ट में बचे रहेगा वही जीतेगा, तो ये भी गेम उसी टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा जो गेट है वो ओपन हो चुका है एंड दोबारा से हमारी लोडिंग स्क्रीन आ गई, यानी कि हम दोबारा से मेन लोबी के अंदर एंटर हो जाएंगे शायद, जहां पर हमारी एनिमीज के साथ भाई फाइट होने वाली है। ओके, तो हाँ भाई हमारे हाथ में एक है नाइफ और एक बैकपैक है, जॉयस्टिक है, राइट में बटन है, बिल्कुल एकदम फ्री फायर जैसे एकदम। मेरे को इसके ग्राफिक्स आप देखेंगे तो आपको भी पता होगा फ्री फायर जैसी क्वालिटी आ रही है इसके ग्राफिक्स की, थोड़ी बहुत कार्टूनिश लुक दी गई है इसके ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम किसी बिल्डिंग की पार्किंग में और सामने मेरे दो बंदे हैं जिनके पास गन्स नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है, वरना वो मेरे को भाई बहुत गंदा मारते हैं। एंड वो लोग भी बेचारे नाइफ फाइट कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम हमारे पास फर्स्ट टाइम पे नाइफ ही होने वाले हैं, तो हमें एक दूसरे के भाई चाकू ही घुसेड़ना पड़ेगा पेट में। और ये बंदा तो भाई भाग गया क्योंकि इस बंदे की हेल्थ वेल्थ मेरे को लग रहा कम हो गई है, उसने नाइफ मार दिया गंदे तरीके से, तो अगर वो फाइट लेगा तो मरेगा इसलिए वो भाग रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको गोल्डन क्रेट्स देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर से मुझे बैंडेजेस मिल चुके हैं। ओके भाई काफी सही चीज है, इसके अंदर आपको गोल्डन क्रेट्स के अंदर भाई लूट मिलने वाला है।
तो यहाँ पर जो एक प्लेयर है आपके लिए फीड में देख पा रहे होंगे 70 करके उसका कुछ नाम है, उसको शायद गन मिल चुका है। तो यहाँ पर भाई हमें रिकवर ब्लड वाली बैंडेजेस ही मिल रही है, पता नहीं क्या है। ओके, तो हमें एक वेस्ट मिल गई और हमारे कोई मार रहा है चक्कू, मेरी हेल्थ कम हो गई है तो मेरे पता नहीं कोई गन मार रहा है कि क्या। ओके, तो ये बंदा P90 लेकर आ चुका है, तो ये मेरे को मार ना दे भाई। ओके, ग्रेनेड किसी ने बाहर फेंका भाई, ये गेम तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। मतलब कि मैं इस गेम को सोच रहा था कि यार इतना भी हार्ड नहीं होगा, बट ये जो गेम का गेम प्ले देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर भाई चक्कू वाले बंदे ने P90 वाले बंदे को मार दिया, नाइस भाई, कुछ ज़्यादा खतरनाक। अरे भाई ये तो प्रो प्लेयर है, इसने चक्कू से उस बंदे को मार दिया जिसके पास P90 थी, नाइस। तो यहाँ पर हमने लगा चुका हूँ मैं अपना दूसरा मैच, तो दूसरे मैच में हम किसी शायद ऑफिस के अंदर है जैसा कि मेरे को लग रहा है। एंड ये मेरे को थोड़ा बहुत ऑफिस और थोड़ा बहुत मॉल टाइप एरिया लग रहा है, क्योंकि कहीं थोड़ा सा ओपन एरिया और कहीं कहीं कंप्यूटर्स पड़े हैं, तो शायद मे बी ये ऑफिस ही होगा। और यहाँ पर मेरे पास एक नाइफ है, तो एक बंदा मेरा बाहर से भाग कर जा रहा है जिसका मेरे पे शायद ध्यान नहीं। ओके, तो मेरे को मिल चुका भाई अपनी M4A1, तो यहाँ पर इस बंदे को मैं फोड़ डालूंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि हम एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग पर हैं, कोई छोटे एरिया पे नहीं, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। तो यहाँ पर मैं अपना गेट क्लोज कर दिया हूँ और मैं इसी विंडो से सबको मारूंगा। ओके, तो भाई बहुत सारे बंदे भाई यहाँ पर अपना नाइफ फाइट में लगे। तो गाइस सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि इसके अंदर जरूरी है कि जिसके पास गन है वही मार सकता है भाई। गन वाला बंदा तभी मारेगा जब बंदे ओपन एरिया हो, बट जब बात आती है सिर्फ एक कमरे की, तो भाई चक्कू वाला बंदा तो भाई एकदम भचाक भचाक चक्कू ही चक्कू मारेगा, जैसा कि आपने देखा उस बंदे ने कैसे मारा था उसको। ओके, तो ये चक्कू लेकर आ गया, तो ये कमरे के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे को मार देगा, बट मैंने इसको मार दिया तो ये काफ़ी सही है, ये वैसे मर जाएगा बहुत आसानी से। ओके, तो यहाँ पर पहला किल हम निकाल चुके हैं, तो अगर हम कमरे के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आप ओपन में जाओगे तो काफ़ी खतरनाक है। अभी इस गेम में फिलहाल ज़्यादा गन्स नहीं है, अभी मेरे को थोड़ी बहुत गन्स ही देखने को मिली है, जैसा कि मैं किल फीड में भी देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को M4A1 पिस्टल, ज़्यादातर बंदे नाइफ ही चलाने में लगे पड़े, एंड इस बंदे के पास भी गन है, तो ये मेरे को मार ना दे। अगर थोड़ा सा भी प्रोफेशनल प्लेयर हुआ इस गेम का तो मेरे को शायद से किल कर डालेगा। तो यहाँ पर मैं खुद एक बहुत ही बड़ा नोबड़ा हूँ इस गेम का, तो मैं इसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे मर जा भैया, कितनी गोली खाएगा हेड हेड पे। ओके, तो मेरे को एक गोली और मारना भाई, बच गया। ये बंदा बिल्कुल एकदम फॉर्म में आ गया था, पता है इसका निशाना बैठ गया था। ओके, तो इसके पास AK-47 भी है। तो भाई इस गेम में आपको सारी ही गन्स मेरे को लग रहा है फेमस, जितनी भी गन्स है वो सभी आपको मिलने वाली है। और मेरे को शॉर्ट गन्स और SMG भी देखने को मिल रही है किल फीड के अंदर, और पिस्टल नाइफ ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चल रहा है, क्योंकि कुछ बंदे जो आसपास एक दूसरे के साथ उतर जाते हैं भैया, वो नाइफ ही नाइफ मारने लग जाते हैं। तो भाई मुझे तो ये वाला गेम जो है भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया था ना, इस गेम का जो कंसेप्ट है ये एकदम पबजी मोबाइल जैसा नहीं है। पबजी मोबाइल में क्या होता है, पहले एक प्लेन आता है, प्लेन से सब लोग उतरते हैं अलग अलग जगह पर, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको रैंडम कहीं पर भी स्पॉन कर देंगे एंड वहां पर आपने गन ढूंढनी है और जाना इधर उधर। हो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझे एक उजी भी मिल चुका है, तो आपको सारी गन्स इसके अंदर मिलने वाली है। एंड ये जो एकदम मॉडर्न वर्ल्ड का गेम है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे, इसमें आपको एरिया देखने को मिलने वाले हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी कुछ इस टाइप के एरिया होते हैं। तो ये वाला जो गेम है मेरे को तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गेम का साइज़ जो है वो भी 400 MB का है। अब देखते हैं भाई कंपनी इस गेम को दोबारा कब रिलीज़ करती है। एंड अभी कुछ लोग का तो ये कहना है, मतलब कि मैंने एक बंदे का यूट्यूब पर वीडियो देखा था, तो उसने दिखाया था कि ये जो गेम है ये अभी भी कुछ कंट्री में वर्क कर रहा है, तो उसको मैं देखता हूँ कि भाई वर्क करता है कि नहीं। एंड अगर वो वर्क करेगा तो मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग भी इस गेम को कैसे डाउनलोड करके खेल सकते हो। अदरवाइज इस गेम का प्री रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो आप जल्दी से जाकर इसका प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड जो लोग भी इसे थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह से इसे डाउनलोड करेंगे, तो प्लीज़ यार इसे कहीं से डाउनलोड मत करना, क्योंकि डाउनलोड तो ये गेम सबका हो रहा है बट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि उसमें सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अभी इंडिया के लिए और कोई सर्वर नहीं बनाए गए। ओके, तो प्लीज़ इस गेम को डाउनलोड कहीं से मत करना, वरना आपका ही नेट खराब जाएगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड गेम जो है जैसी वर्क करेगा हमारे मोबाइल में, जैसी चलने लग जाएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और गाइस हाँ, जंगली रमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।